Hey everyone, welcome to Callback Coding. So, आज की वीडियो होने वाली है borders and backgrounds related. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक HTML की फाइल क्रिएट कर ली, index.html, और इसका हम बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं और इसके साथ हम लिंक कर लेते हैं CSS को. ओके, अब मैं इसका टाइटल यहाँ पे जल्दी से चेंज कर देती हूँ, बैकग्राउंड्स एंड बॉर्डर्स. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बॉर्डर्स की, कि बॉर्डर्स हमारे पास क्या होते हैं और कैसे अप्लाई होते हैं. मैंने लेट्स से यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लिया और इसमें मैंने लिख दिया क्लिक मी. इसको अपने ब्राउज़र पे जाके चेक करते हैं कि हमारे पास किस तरीके से शो रहा है. ओके, तो ये हमारे पास एक बटन क्रिएट हो गया क्लिक मी. अब हमें इस पर बॉर्डर्स अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे आके बटन को टारगेट कर लिया, यहाँ पे बटन लिख लिया. और अब सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉर्डर कलर की, कि हमें बॉर्डर का कलर क्या रखना है. मैंने यहाँ पे लिखा बॉर्डर कलर और लेट्स से मैंने इसको कर दिया रेड. तो मेरे पास बॉर्डर का जो कलर था वो रेड हो गया. अब सेकंड प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं कि अगर मुझे अपने बॉर्डर की विथ इंक्रीज़ करनी है तो वो हम कैसे करेंगे. मैंने यहाँ पे लिखा बॉर्डर विथ और इसे 4 pixels कर दिया, तो मेरे पास बॉर्डर की विथ यहाँ पे इंक्रीज़ हो गई. तो ये हमारे पास दो इजी प्रॉपर्टीज़ हो गई, बॉर्डर कलर एंड बॉर्डर विथ. हमारे पास कुछ बटन्स ऐसे होते हैं जिनकी कॉर्नर्स जो होते हैं वो राउंडेड होते हैं, वो हम कैसे करते हैं. मैंने यहाँ पर लिखा बॉर्डर रेडियस और इसको मैंने कर दिया 20 pixels. तो यू कैन सी कि मेरे पास ये राउंडेड कॉर्नर्स आ गए. तो इस तरीके से हम राउंडेड कॉर्नर्स बटन्स क्रिएट कर सकते हैं. फ़िलहाल मैं इसको 5 pixels कर देती हूँ ताकि हमारे पास ये हल्के से राउंडेड हो जाए. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं बॉर्डर स्टाइल. बॉर्डर स्टाइल में हमारे पास काफ़ी सारे डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं. यहाँ पर सबसे पहले हम डैश अप्लाई करके देखते हैं, तो हमारे पास बॉर्डर कुछ इस तरीके से शो होता है. अगर मैं इसको डॉटेड कर दूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से डॉटेड फॉर्म में शो होगा. फ़िलहाल हम इसको ग्रूव कर देते हैं, तो ये मेरे पास ग्रूव शो हो गया. इसके अलावा भी काफ़ी सारे स्टाइल्स होते हैं हमारे पास जो हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी कि अगर मुझे अपने बटन का सिर्फ लेफ़्ट कॉर्नर जो है उसका कलर चेंज करना है, जो हमारे पास लेफ़्ट बॉर्डर है उसका कलर चेंज करना है, या सिर्फ राइट बॉर्डर का कलर चेंज करना है, पूरे बटन का कलर चेंज नहीं करना है बॉर्डर का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे. मैंने यहाँ पर लिखा बॉर्डर लेफ़्ट और उसके बाद मैंने लिख दिया कलर और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया येलो. तो यू कैन सी कि हमारे पास लेफ़्ट बॉर्डर जो था उसका कलर येलो हो गया. इसी तरीके से हम राइट का कलर भी चेंज कर सकते हैं. मैंने इसी को पेस्ट किया और यहाँ पे मैंने कर दिया राइट और इसका कलर हम कर देते हैं ऑरेंज. तो ये हमारे पास ऑरेंज कलर में शो हो गया. अब हमें अगर टॉप एंड बॉटम का कलर चेंज करना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टॉप और यहाँ पर मैंने लिख दिया बॉटम, और एक का कलर हम कर देते हैं पर्पल और एक का हमने कर दिया ग्रीन. तो ये मेरे पास चारों बॉर्डर्स जो हैं वो अलग अलग कलर्स में शो हो गए. तो इस तरह हम डिफरेंट कलर्स अप्लाई कर सकते हैं अपने बॉर्डर्स पे. अब हम बॉर्डर्स की लास्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, दैट इज़ बॉर्डर इमेज. अगर हमें अपने बॉर्डर में कोई इमेज चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे. मैंने यहाँ पर लिखा बॉर्डर इमेज. अब मुझे यहाँ पर लिखना है URL, मुझे अपनी इमेज का URL देना है. तो एक काम ये करते हैं कि जल्दी से गूगल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे लेट्स से मैंने लिख दिया फ्लावर इमेजेस, और यहाँ से किसी भी इमेज का एड्रेस हम कॉपी कर लेते हैं. मैंने यहाँ पे किया कॉपी इमेज एड्रेस और यहाँ पे आके मैंने इसको कर दिया पेस्ट. अब जब हम ब्राउज़र पर इसको चेक करेंगे तो यू कैन सी कि हमारे पास बॉर्डर पर इमेजेस शो हो गई हैं. तो इस तरीके से हम बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ बटन्स पे नहीं, हम किसी भी कंपोनेंट पे, किसी भी एलिमेंट पे बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं. ये सारी प्रॉपर्टीज़ बॉर्डर की यूज़ कर सकते हैं. ओके, हमारे पास एक और चीज़ ये होती है कि लेट्स से कि मुझे इतना सारा कोड नहीं लिखना है, मुझे एक ही लाइन में ये काम करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर सिर्फ लिखूँगी बॉर्डर. अब मैं यहाँ पर बॉर्डर का विथ डिफ़ाइन कर दूँगी कि हमें कितनी विथ चाहिए. मैंने यहाँ पर लेट्स से लिख दिया 3 pixels की विथ होनी चाहिए और उसका कलर मेरे पास होना चाहिए ब्राउन. मैंने इसको कर दिया ब्राउन और उसका स्टाइल लेट से मैंने कर दिया डबल. तो मेरे पास ये कुछ इस तरीके से बटन शो हो गया. इसकी विड्थ भी एडजस्ट हो गई, कलर भी एडजस्ट हो गया और इसका स्टाइल भी एडजस्ट हो गया विद इन वन लाइन. तो मुझे
सारी चीज़ों के लिए डिफरेंट डिफरेंट लाइंस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये तो हो गया बॉर्डर्स। अब हम बात कर लेते हैं बैकग्राउंड्स की। मैंने यहाँ पे लिख लिया बैकग्राउंड्स, और बैकग्राउंड के लिए हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लिया। मैं एक काम ही करती हूँ कि मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, और CSS का भी जो हमारा कोड है उसे भी हम कमेंट कर देते हैं। ओके, अब इस डिव में मैंने फ़िलहाल मैं कोई टेक्स्ट लिख लेती हूँ ताकि मेरे पास ब्राउज़र पे शो हो जाए। ओके, ये हमारे पास डिव क्रिएट हो गया। अब इस डिव को हम एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड कलर, और लेट से मैंने इसको कर दिया पिंक। तो ये मेरे पास एक डिव शो हो गया। अब इसकी हाइट और विथ सेट कर देते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 600 पिक्सल्स, और इसकी विथ को भी मैंने 600 पिक्सल्स ही सेट कर दिया। तो ये मेरे पास एक डिव क्रिएट हो गया जिसकी हाइट एंड विथ भी सेट हो गई हमारे पास, और कलर भी सेट हो गया। ओके, तो बैकग्राउंड की हमने एक प्रॉपर्टी तो यहाँ पे देख ली, बैकग्राउंड कलर। अब लेट्स से कि मुझे अपने डिव पे कोई बैकग्राउंड इमेज अप्लाई करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पे मैंने लिख दिया URL। अब मुझे उस इमेज का URL देना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है, इसका एड्रेस मैंने कॉपी किया और URL में आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब अपने ब्राउज़र पे इसको चेक करेंगे तो ये इमेज मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो रही है। यू कैन सी कि ये इमेज मेरे पास रिपीट हो रही है। अब ये इमेज रिपीट ना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे आके लिखा बैकग्राउंड रिपीट, और अगर मैं इसको कर दूँ रिपीट एक्स, तो ये मेरे पास सिर्फ एक्स एक्सिस में ही रिपीट होगी, और वाई एक्सिस से ये इमेज रिपीट नहीं हो रही अब। और अगर मैं इसको एक्स की जगह वाई कर दूँ, तो ये मेरे पास वाई एक्सिस में रिपीट होगी और एक्स एक्सिस में रिपीट नहीं होगी। फ़िलहाल हमें क्या करना है कि मुझे यहाँ पे लिखना होगा नो रिपीट, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इमेज मेरे पास रिपीट हो बार बार, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नो रिपीट। तो अब मेरे पास ये इमेज रिपीट नहीं होगी, ना एक्स एक्सिस में और ना ही वाई एक्सिस में। तो ये तो हमारे पास हो गई बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी। एक काम ये करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि फ़िलहाल हमें अब इसकी नीड नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें देखनी है बैकग्राउंड पोजिशन की। अब मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे पास ये इमेज सेंटर में शो हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड पोजीशन, और मैंने यहाँ पे लिख दिया सेंटर सेंटर। तो सेंटर सेंटर लिखने से क्या हुआ कि ये इमेज मेरे पास सेंटर में शो हो गई। पहले हमें एक्स एक्सिस बताना होता है कि हमारे पास एक्स एक्सिस से सेंटर में आ जाए, और उसके बाद हमें बताना होता है यहाँ पे वाई एक्सिस। लेट्स से कि मैं चाह रही हूँ कि वाई एक्सिस से मेरे पास टॉप पे ही रहे इमेज, तो मैंने इस सेंटर की जगह लिख दिया टॉप। यू कैन सी कि मेरे पास इमेज जो है वो टॉप पे शिफ्ट हो गई, लेकिन हमारे पास एक्स एक्सिस से यहाँ पे सेंटर में ही है। अगर मैं इसको राइट कर दूँ तो ये मेरे पास इस कॉर्नर पे शो हो जाएगी। तो हम अपने हिसाब से इसकी पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको सेंटर में ही कर देती हूँ। ओके, तो ये तो प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास बैकग्राउंड पोजीशन की। अब एक काम ये करते हैं कि हम इस डिफ की हाइट और विथ को थोड़ा कम करके देखते हैं। मैंने इसको कर दिया 600, और इसको भी कर दिया 600। तो फ़िलहाल तो ये ठीक दिख रहा है। अगर मैं इसको कर दूँ 400, और ये भी 400 हो गया, तो ये जो पिक्चर है हमारे पास, हमारी जो इमेज है वो एडजस्ट हो गई है इस हाइट और विथ के हिसाब से। लेकिन अगर मैं इसको और कम कर दूँ, मैंने इसको 200 पिक्सल्स कर दिया, तो यू कैन सी कि हमारे पास ये इमेज जो है अब एडजस्ट नहीं हो रही, हमारे पास क्रॉप हो चुकी है और हमारे पास पूरी इमेज शो नहीं हो रही। तो इसको सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे आके लिखा बैकग्राउंड साइज़, और इसको मैंने कर दिया कवर। बैकग्राउंड साइज़ कवर करने से क्या हुआ कि अब जो मेरे पास इमेज है वो अपने आप को डिफ की हाइट और विथ के हिसाब से एडजस्ट कर लेगी। अब मैं अगर इसकी हाइट और विथ और भी कम कर दूँ तो भी ये इमेज अपने आप को खुद से एडजस्ट करेगी इसके हिसाब से। यू कैन सी अगर हम इसे और कम करते हैं, लेट्स से मैंने इसको कर दिया 50 पिक्सल्स, तो यू कैन सी कि मेरे पास इमेज जो है वो खुद से एडजस्ट हो गई है। ओके गाइस, सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेरी, आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल कॉल बैक कोडिंग। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।